तैराकी से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो पिछला जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया। इतने सारे लोग मीटिंग में आएंगे और चुनाव होगा वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट के बाद लोजपा के सांसद महबूब अली कैसर जो है वो पटना एयरपोर्ट में पहुँचे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीर में भी देख सकते हैं और उनसे साफ मीडिया के द्वारा यह सवाल किया गया कि आखिर क्या कारण रहा जो लोजपा में इतनी बड़ी टूट हुई है। इस पर उन्होंने साफ तौर पे चिराग पासवान को ही जिम्मेदार ठहराया है और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। तैराकी से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो पिछला जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे। अरे भाई लोगों नीचे करो, ये मेन वजह हुआ। और लोगों नीचे करो भाई, अरे ये विंग नीचे करो। मेन चीज वही था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी रहा, कोरोना वायरस को लेकर कर भी और ज़्यादा गैप हो गया। तो ये सब वजह थी कि हम लोग चाहे कि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी पारस जी की तरह बिहार में जो तजुर्बेकार आदमी है उनको नेतृत्व दिया जाए। तैराकी से हम लोग का कोई और ग्रीवेंस नहीं है, उनके साथ जो लेगेसी है उनका जो लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाए, राजनीति नहीं समझ पाए। बिल्कुल यही हम कह रहे थे कि राजनीति नब्ज नहीं पकड़ पाए। बिहार में एनजेपी का अस्तित्व है, बिहार से जाना जाता है और बिहार की तरह जगह में एक बड़ी भूल उन्होंने की, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, हम लोग को भी पूरे पार्टी को भुगतना पड़ा। क्या चिराग के पास एक्सपीरियंस नहीं है? क्या बोल रहे हैं? एक्सपीरियंस की कमी है। जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस की कमी तो है ही है उनके साथ, लेकिन हम फिर भी कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो लेगेसी है उनका, आदरणीय रामविलास जी पासवान जी का, और उनके साथ जितना उनके साथ क्वालिटीज है वो कहीं से ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ जो हुआ है बिल्कुल खत्म हो गए। राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है और हम लोग सबका बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे क्या करने जा रहे हैं है उनके साथ, वो जरूर इससे उठकर आगे क्या करने जा रहे हैं सर साहब? आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे क्या, अभी तो हम लोग सब लोग सब जितने एमपी हैं सब एक साथ हैं और इंडिया में हैं, इंडिया में रहेंगे। लोजपा का अपना अलग आइडेंटिटी, अलग पार्टी, हम लोग लोजपा ही में हैं, लोजपा में कोई टूट नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका मीटिंग होगा अभी, उसमें तय किया जाएगा। चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब वो मीटिंग होगी तो उसमें तय होगा। आप क्या चाहते हैं? आप लोगों को कहा था ये कदम उठाने के लिए बनाया था चिराग की, क्या मनगढ़ंत बात है कि ललन सिंह कहे और कौन कहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ललन सिंह जी कल थे वहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वीना जी के यहाँ खाना था, वहीं पर मीटिंग थी हम लोगों की। अब वीना जी के हस्बैंड जो हैं आप लोग जानते हैं कि जदयू के एमएलसी हैं, तो इसमें उनका क्या कसूर? अगर ललन जी उनसे मिलने के लिए आए या फिर बधाई देने के लिए पारस जी का है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब क्या आगे क्या, अब क्या चिराग पासवान को आप लोग अपने साथ में रखेंगे, रखना चाहते हैं? बिल्कुल हम लोग रखना चाहते हैं, अभी भी पार्टी में है। किस रूप में रखना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या फिर? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी जब मीटिंग होगा। अभी जैसे हम लोग सब एमपी हैं वैसे ही हैं वो भी, और अभी तो इतना ही बदलाव हुआ है कि पारस जी को हम लोगों ने। अगली बैठक कब होगी आप लोगों की? अब होगी एक दो दिन में पटना में बैठक होगी, जानकारी आप लोगों को हुई जा रहा है। ऐसी बात नहीं है अभी यहाँ पर पटना का क्या हाल हम नहीं जान रहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग मीटिंग में आएंगे और चुनाव होगा वहाँ। चिराग जी शामिल होंगे इस मीटिंग में? आप नहीं जानते हैं कि चिराग जी होंगे कि नहीं? तो आपने साफ तौर पर सुना लोजपा के सांसद महबूब अली कैसर का कहना है कि चिराग पासवान जो हैं वो पार्टी को चलाने में असमर्थ थे, अयोग्य थे, इसी कारण जो है लोजपा में टूट हुई है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कुछ दिन में यह भी मालूम चल जाएगा कि लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।